ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थाने महानगर पालिका के कोविड के बाद पूरे थाना के नहीं, महानगर पालिका ने प्रस्ताव लाई और ठहराव लाई कि पूरे थाना को 11 एम्बुलेंस O2 और 6 कार्डियो एम्बुलेंस। तो माननीय जितेंद्र आवाज जी और हमारे सभी नगर सेवक की ये इच्छा थी, हमारे साथियों की, मुमरा वासियों की, कि मुमरा के अंदर भी O2 और कार्डियो एम्बुलेंस होना चाहिए इस महामारी पर। तो इसने उस प्रस्ताव पर हमने स्ट्रिक्टली नोट किया, मुमरा को कार्डियो एम्बुलेंस और O2 एम्बुलेंस मिलना ही चाहिए जिसकी ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम लोग मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक कार्डियो एम्बुलेंस विद डॉक्टर और एक O2 एम्बुलेंस दे रहे, जिसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो रहेगा उसकी पूरी डिटेल इसमें और इवनिंग की डिटेल इसमें। आज हमारे पास गोसा भी साहब, सालम के साहब और हमारे सभी नगर सेवक हैं यहाँ पे। वो एम्बुलेंस यहाँ भी खड़े रहेगी और कोविड सेंटर पर। अब हमारे पास प्रश्न बचता है, आज हमारे पास शमीम खान जी ने भी एक एम्बुलेंस दी और एक मेरी भी एम्बुलेंस है संघर्ष सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की, ऐसे मिला कि 4 एम्बुलेंस हो गई। लेकिन सर अभी हमको बात करना पड़ेगी नॉर्मल पेशेंट के लिए वो एम्बुलेंस शिफ्ट कर दिया जाए मेरी और शमीम खान जी, क्योंकि ये महापालिका ने कोविड के नहीं रखी और विद डॉक्टर है तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस सेफ्ट है, हर चीज़ की सुविधा है इसमें। तो अब अभी शमीम खान जी आएंगे, शमीम खान हमारे भाई आने वाले, उनसे बात करके हम लोग नॉर्मल पेशेंट के नहीं, हम वो अपना मेरी एम्बुलेंस और हमारी शमीम भाई की एम्बुलेंस वो रहेगी और ये दोनों एम्बुलेंस कोविड पेशेंट के नहीं रहेगी। लेकिन मुमरा कोसा की आपके जरिए जो आवाम को जानकारी देता हूँ, ये एम्बुलेंस तात्पुरता है, टेम्पररी, क्योंकि पूरे थाना को टेम्पररी एम्बुलेंस जो दी गई है कोविड के लिए, उसमें से ये भी एक 6 उधर दी हमने, एक मुमरा के लिए ले ली। और एक कॉल आपके स्क्रीन पर ये नंबर डाल देना, आम नागरिक फ़ोन कर सके उनसे, अगर ये फ़ोन नहीं लगता है तो वो अपने कॉरपोरेटर को फ़ोन करे, कॉरपोरेटर के पास हमारे गोसावी साहब और सालूम के साहब को फ़ोन करे, वो सब भी नहीं लगता है तो हम मेरे विरोधी पर कार्यालय में मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आप तक ये मदद पहुंचा देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट भी इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 एम्बुलेंस में से कभी इमरजेंसी लगती है तो ये एम्बुलेंस कलवा भी जा सकती है और उनकी एम्बुलेंस यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि कभी समझो कोई ज़्यादा पेशेंट आ गए, जैसे अभी आप देख रहे ऑक्सीजन की कमी, तो एक साथ 5-5, 6-6 एम्बुलेंस एक ही जगह पर चली जाती, तो हमारी एम्बुलेंस वहाँ भी जा सकती है, उनकी एम्बुलेंस यहाँ भी आ सकती है। लेकिन मुमरा के लिए एक O2 और एक कार्डियो एम्बुलेंस आज यहाँ पर दे दी गई है। मैं कमिश्नर साहब और माननीय जितेंद्र अवार्ड जी और हमारे आरोग्य विभाग का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना और हमारे कॉरपोरेटर की जो मंशा थी वो आज पूरी हुई है। शहरवासियों को इस महामारी से एम्बुलेंस में जो दिक्कत होती थी, कई हज़ारों रुपये लिए जाते थे, इस एम्बुलेंस आने से उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आने वाले इसमें शमीम भाई आ गए, शमीम भाई तो इंशाल्लाह ताला शमीम भाई आ गए, मेरी एम्बुलेंस और शमीम भाई की एम्बुलेंस, मैम अभी बात करेंगे हम लोग, जो नॉर्मल पेशेंट है, नॉन कोविड पेशेंट, हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए आप हमारे एम्बुलेंस चलाए जाए, कि ये दोनों एम्बुलेंस भाई कोविड पेशेंट के लिए भी डॉक्टर, अगर हम लोग ये चारों एम्बुलेंस आपकी दो और ये दो खाली कोविड के लिए चलाते हैं तो अपने नॉन कोविड पेशेंट है वो बेचारे कहीं ना कहीं परेशानी में घूमेंगे, फिर आखिर में अपने पे होगा कि एम्बुलेंस कहाँ है। तो अभी अध्यक्ष जी के साथ हम लोग सब मशवरा करेंगे कि हमारी एम्बुलेंस नॉन कोविड पेशेंट के लिए दे और ये दोनों एम्बुलेंस हमारी जो मांग थी हमारी वो आज हो गए, यहाँ पे लोगों को मुमरा को वासियों को मिलेगी और इससे मुमरा वासियों को राहत कुछ। अभी तो एक जो सानो भाई ने काम इस पर इतना करा जाता, अभी एक एम्बुलेंस हमने 2 दिन के पहले जो कॉरपोरेशन को दिया है वो कॉरपोरेशन को दे चुके हैं, तो वो कॉरपोरेशन में जो आइसोलेशन सेंटर के लिए चलाई जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी की जो सानो भाई की 2 है और एक अपनी 2 है, जो 3 एम्बुलेंस चलाई जाएगी बाकी पेशेंट्स के लिए, ऐसा मेरा मानना था इसके ऊपर, क्योंकि वो चाबी दे चुके हैं उनको, कॉर्पोरेशन का हैंडल कर चुके हैं, तो वो वहाँ चलाई जाएगी। मतलब काफ़ी हद तक अभी शहर के अंदर और कंट्रोल भी है मामला, शहर के अंदर एम्बुलेंस की समस्या काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ऐसा नहीं लगता है
के ये एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके जरिए आपसे रिक्वेस्ट है ये नंबर आप डाल दे ताकि शहरवासी डायरेक्ट कार्डियो एम्बुलेंस ऑटो एम्बुलेंस मंगा सके। और दिक्कत हो तो आप वो हमको कॉन्टेक्ट करें, हमें सालूम के साथ गोसावी साहब को कॉन्टेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया करा दी जाएगी फ्री में। वैसे भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी शानू भाई बहुत कम पेशेंट थे, मुमरा शहर में कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ना वो संख्या कम हो रही है पेशेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आगे सब कंट्रोल ही है और कंट्रोल भी चलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं यहाँ पे हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये एम्बुलेंस जो है हमको डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब की वजह से आज यहाँ पे मिली है। विपिन शर्मा साहब का भी शुक्रिया कि उनकी वजह से हमको मिली, लेकिन जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव शानू के पास रखा तो शानू ने जो है उसको खूब फॉलो किया है, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम को सराहना भी चाहिए। तो मैं इसलिए शानू पठान साहब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही हम लोगों के साथ में है और मुमरा के सारे कामों के लिए आगे आगे रहता है ये। इसी के साथ में मैं जितने भी नेतागण हैं, जैसे हमारे महापौर साहब है, क्योंकि मुमरा की जब भी बात आई है उन्होंने हमारा साथ दिया है, और मैं इसी के साथ में हमारे कमिश्नर साहब से कहना चाहूँगी कि हमारे जो अधिकारी जैसे गोसावी साहब है, सागर सालुंगे साहब है और दीगर जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो दिल से इसके लिए काम करते हैं, तो उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन उनको जो भी ज़रूरत के वक्त सामान चाहिए रहता है उनको देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि हमारे अधिकारी जो है एकदम फर्स्ट इस पे रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, लेकिन उनको जो ज़रूरत का सामान चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है। बजट की ज़रूरत रहती है तो वो मिलती नहीं है, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनसे अपील भी करूंगी कि बराए मेहरबानी इस वक्त में उनका साथ दें। थैंक यू। नमस्कार। अतः अभी महापालिका की तरफ से एक ऑटो एम्बुलेंस और एक कार्डियक एम्बुलेंस मुमरा प्रवास समिति के लिए दी गई है। बढ़ती कोरोना के पेशेंट को ध्यान रखते हुए अभी एक एम्बुलेंस में अवेलेबल हो चुकी है, उसका बहुत ज़रूरतमंदों के लिए फ़ायदा होगा। और हम हालांकि ऐसे जो है उसका अप्रोप्रिएट यूज करेंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा, ऐसे देखेंगे। थैंक यू। गोसावी साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह एम्बुलेंस आज यहाँ पर तो दी गई है, शहर के लिए काफ़ी ज़रूरत थी, मनपा ने मुहैया कराया। ऐसा है कि पेशेंट की बढ़ती संख्या की वजह से एम्बुलेंस अपने को कम पड़ रही थी, मगर मुमरा के पेशेंट कम है इंशाल्लाह, कल भी कम थे, परसों भी कम थे, आपने फिगर 30 के ऊपर गई नहीं, बिलो 30, और कल तो 20-15 ऐसा पेशेंट है। मगर बाहर के पेशेंट होते हैं उनके इतने फ़ोन आते हैं रात के 2-2 बजे तक कि एम्बुलेंस दे दो, एम्बुलेंस दे दो, आखिर हर एक के अपने को जान बचाने की। वो हिसाब से मैं शानू भाई को बोला था कि भाई तुम एम्बुलेंस देंगे तो मैं पेशेंट ले जाऊँगा, वो हिसाब से शानू भाई ने महासभा में प्रस्ताव रख दिया, और फिर ये महासभा के प्रस्ताव की तरफ से अपने को आशानु भाई ने कमीशन साहब से बात करके, मंत्री महोदय से बात करके ये दो एम्बुलेंस अपनी ताबे मिली, ताकि अपनी मुमरा के पब्लिक के लिए और भारत के भी पब्लिक के लिए जो इमरजेंसी जो पीरियड चल रहा है पेंडेमिक का, उसमें कामयाब हो जाए। दोनों में ऑक्सीजन एक में ऑटो है, दोनों में ऑक्सीजन तो रहेगा, कार्डियक एक और एक ऑटो है, एक कार्डियक।